आज रिलीज हो गई है सालार पार्ट वन सीज फायर, जिसमें आपको दिखेंगे प्रभास, पृथ्वीराज, श्रुति हासन और इसे डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। कहानी बहुत ही सिंपल है। प्रभास के किरदार का नाम होता है देवा, जो कि अपनी माँ के साथ रहता है कहीं दूर। उनके दोस्त होते हैं वरदा, जो कि खानसार किंगडम के राजा मन्नार के बेटे होते हैं, और मन्नार साहब जो होते हैं वो उन्हें राजा बनाने वाले होते हैं। तभी मन्नार के जो मंत्री होते हैं, सलाहकार होते हैं, वो विद्रोह छेड़ देते हैं। ऐसे में वरदा अपने पुराने दोस्त को बुलाता है, यानी कि देवा को। अब आगे क्या होता है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल ने इस फिल्म को दिए 3.5 स्टार्स, और वो कहते हैं कि जो फर्स्ट हाफ है ना, वो थोड़ा स्लो है और अपना टाइम लेता है देवा के किरदार को एस्टैब्लिश करने के लिए। KGF की तरह इस फिल्म की जो थीम है ना, थोड़ी सी डार्क है। बाकी सिनेमाटोग्राफर ने खानसार का पूरा चार्ज्ड अप एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है, जिससे ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो जाती है। फिल्म में सर्टन अमाउंट ऑफ वायलेंस और ब्लडशेड भी है, और वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत सारा एक्शन होगा, मसाला होगा और कॉमेडी भी होगी, उन्हें थोड़ी सी निराशा होगी। और इनिशियली ना, इस फिल्म के साथ आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म सालार पार्ट 2 के लिए स्टेज सेट कर रही होती है। इसलिए ये आपको खानसार की दुनिया, उसके बाशिंदों को अच्छी तरह समझाती है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को दिए 2 स्टार्स, और वो लिखती हैं कि KGF की ही तरह इसमें भी काफी सारे महल हैं, बस्तियां हैं, पूरा एक किंगडम दिखाया गया है। प्रभास को स्टार्टिंग में काफी उदास और रूखा दिखाया गया है, लेकिन फिर उन्हें मौका मिलता है और उनके चेहरे पर इमोशंस आने लगते हैं। पृथ्वीराज का जो हिस्सा है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और वो उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। NDTV के नरेंद्र सैनी ने इस फिल्म को दिए 3.5 स्टार्स, और वो कहते हैं कि भाई डायरेक्शन जो है फिल्म का लाजवाब है। प्रशांत नील ने बता दिया है कि वो एक बेहतरीन किस्सा गो यानी कि स्टोरी टेलर हैं और एक्शन फिल्मों के मास्टरमाइंड हैं। अब फिल्म की जहां तक बात करें तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इंटरवल तक आते आते प्रभास के एक्शन में थोड़ी रफ्तार आती है और फिल्म के पूरे तेवर ही बदल जाते हैं। प्रभास और पृथ्वीराज दोनों ही अपने किरदारों में बहुत अच्छी तरह से जमते हैं, और दोनों ने अच्छा काम किया है, और सालार की दुनिया ना बांधने वाली है। अगर आपको एक्शन फिल्में पसंद है और larger than life कुछ देखना चाहते हैं, तो बॉस दिस इज द फिल्म फॉर यू। अगर आपको लगता है कि हालिया रिलीज फिल्म रणबीर कपूर की एनिमल में बहुत ज्यादा वायलेंस है, तो होल्ड योर हॉर्सेस, ये फिल्म देख के आइए भाई साहब, जमकर खून खराबा दिखाया गया है, ऐसा लिखा गया है हिंदुस्तान लाइव में। साथ ही लिखा गया है कि 3 घंटे की ये फिल्म फ्लैशबैक के जरिए आगे बढ़ती है। एक्शन में हाईटेक हथियार है, मशीन गन है, मिसाइलें तक दाग दी जाती हैं। और प्रभास की बात करें तो सोहो, राधे श्याम और आदि पुरुष में उनका काम अननोटिस गया, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने दमदार रुकमबैक किया है भाई, और फिल्म के ज्यादातर हिस्से को ना उन्होंने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, और फिल्म का क्लाइमैक्स भी बहुत गजब है। तो ये थी समीक्षकों की राय अबाउट सालार पार्ट 1 सीज फायर। और जाते जाते बॉलीवुड शायरी मेरे जनाब, प्रभास के फैन उन्हें देखकर बोले मुझसे, प्रभास के फैंस उन्हें देखकर बोले मुझसे, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। तो कैसी लगी शमी साहब और महमूद साहब की एक्टिंग इन दिस सॉन्ग एंड इन दिस घटिया शायरी? प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जाने से पहले BBC हिंदी का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, Facebook का पन्ना लाइक कीजिए, X पर हम हैं BBC हिंदी को फॉलो कीजिए, और Instagram पर भी हमें फॉलो कीजिए। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।